ओके यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। हमने ये वाला टॉपिक था राइट। तो मैंने ये बताया था कि जो सरफेस टेंशन है उसको लिखने के दो तरीके बताए थे। पहला तरीका ये था कि कितनी फोर्स मॉलिक्यूल लगाएंगे और कितनी लेंथ के ऊपर लगाएंगे, और दूसरा तरीका था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन या एनर्जी क्या होगी डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। जैसे अगर मैंने बताया था कि अगर आप एक ड्रॉप को ब्रेक कर रहे हो छोटे छोटे ड्रॉप्स में, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ड्रॉप को तोड़ने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन जब छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलते हैं और एक बड़ा ड्रॉप बनता है, तो उस केस में वर्क डन नहीं करना पड़ता, अपने आप ड्रॉप्स मिल जाते हैं, तो उसमें एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो अगर मान लो टी सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, और दूसरा फॉर्मूला अगर मान लो आप वर्क डन करते हो क्या करने में, आप एक बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ लेते हो। और मैंने ये भी बताया था कि छोटे ड्रॉप्स का कुल मिला के एरिया बड़े ड्रॉप से हमेशा बड़ा होगा, तो आप एरिया को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, आप एरिया को इंक्रीज कर रहे हो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वर्क डन इन इंक्रीजिंग दी सरफेस एरिया। लेकिन अगर आप उल्टा करते हो, छोटे ड्रॉप से बड़ा ड्रॉप बनाते हो, फॉर्मूला सेम रहेगा, तो आप बोलेंगे कि एनर्जी रिलीज होगी इन डिक्रीजिंग दी सरफेस एरिया। यहां तक मैंने बताया था, ठीक है। मैंने दो फॉर्मूला बताए थे टी के, एक फोर्स की फॉर्म में और एक एनर्जी या वर्क डन की फॉर्म में। अब इसके अंदर ये फॉर्मूला वर्क डन का आया कहां से, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। ये आपके सामने एक स्लाइडर है जो बना हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो ये रॉड मूवेबल है और यहां पर सोप की फिल्म है। इसकी जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो एल है, और ये स्लाइडर ऑब्वियसली कहीं यहां पर होगा पहले, और फिर डिस्प्लेस हो चुका है बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स इनवर्ड, क्योंकि सरफेस टेंशन की जो फिल्म है या जो ये फिल्म है उसके अंदर सरफेस टेंशन है, उसने फोर्स लगाई और इस स्लाइडर को अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि वो सरफेस टेंशन क्या करेगी, अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, ठीक। तो एरिया को कम करेगी, इसको तो हिला नहीं पाएगी, तो फिक्स्ड है, ये स्लाइडर मूव कर सकता है, तो इसको इनवर्ड वो अंदर खींच लेगी। अब एल लेंथ है और मान लो उसने इनवर्ड इसको कितना खींचा बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो ऐसे केस में आपको अगर वापस इस स्लाइडर को लेके आना है, या आप ये चाहते हो कि ये मूव ना करे और यहीं पर खड़ा रहे, तो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी एग्जैक्टली उतनी जितनी फोर्स किसने लगाई, मॉलिक्यूल्स ने लगाई। तो वो फोर्स कितनी होगी या अंदर की फोर्स कितनी होगी, वो होगी तो बराबर। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स का, फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टी। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एल इंटू टी। तो एल लेंथ है, ये एल लेंथ है, और इंटू सरफेस टेंशन, या ये क्या आ गई, इनवर्ड फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक। अब एक मिनट इमेजिन करना कि ये मान लो ये सोप की फिल्म है, ये मैंने लेट अस सपोज बाहर निकाल ली, जैसे मान लो ये एक सोप की फिल्म है पूरी की पूरी, ये मैं बाहर ले आया हूं सोप की फिल्म है, और ये स्लाइडर है। अब मैं ये बता रहा था कि यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो एयर के कांटेक्ट में हैं, तो अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक, पहला पॉइंट। इसके अंदर अगर आप जाओगे, इसके अंदर तो लाखों मॉलिक्यूल्स हैं जो अंदर आपको दिखेंगे। तो अगर आप इस सरफेस से इस सरफेस पे आना चाहते हो, पीछे की सरफेस, तो आपको लाखों मॉलिक्यूल को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि अंदर इसके वाटर ही वाटर है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, और फिर यहां पर आखिरी मॉलिक्यूल्स आएंगे पीछे वाले जो एयर के कांटेक्ट में है। तो ये मॉलिक्यूल्स इधर एयर के कांटेक्ट में है, ये मॉलिक्यूल्स इधर एयर के कांटेक्ट में, और इन मॉलिक्यूल्स का इन मॉलिक्यूल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत सारे लाखों मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये अपना सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करेंगे, ये भी एक स्लाइडर को खींचेंगे, ये भी अपने सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करेंगे, ये भी स्लाइडर को अपनी तरफ खींचेंगे। यहां से ये मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, यहां से ये मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, ये सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, तो यहां पर अलग सरफेस टेंशन होगी, मीन यहां पर भी सरफेस टेंशन होगी और यहां पर भी सरफेस टेंशन होगी, एक सरफेस टेंशन नहीं होगी, क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ये मॉलिक्यूल्स भी एयर के कॉन्टैक्ट में और ये वाले मॉलिक्यूल्स भी एयर के कॉन्टैक्ट में है। तो इसको बोला जाता है कि इस फिल्म की दो फ्री सर्फेसेस है। फ्री सरफेस का मतलब होता है कि वो लिक्विड की सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है, तो एक सरफेस ये एयर के कांटेक्ट में है और एक सरफेस ये एयर के कांटेक्ट में है।
तो यहां भी सरफेस टेंशन है, यहां भी सरफेस टेंशन है, यहां पे अलग फोर्स लगेगी, तो कितनी लगेगी यहां की फोर्स, एल इन टू टी, और यहां इसके पीछे वाले पोर्शन की अलग लगेगी, तो इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू से। ये पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स आगे भी एयर के कॉन्टैक्ट में है, मॉलिक्यूल्स पीछे भी एयर के कॉन्टैक्ट में है, ये मॉलिक्यूल्स भी फोर्स लगाएंगे और ये भी फोर्स लगाएंगे, इस वजह से दो दो सरफेस टेंशन होंगी, दो सरफेसेस होंगी, तो दोनों की फोर्स आपको कंसिडर करनी है। मैं यहां इसलिए बोल रहा हूं ये सारे मॉलिक्यूल फोर्स लगाएंगे क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स पे अफेक्ट सरफेस टेंशन का होगा, पर जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो इस पोर्शन की फोर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हिलेगा नहीं, सिर्फ इस पोर्शन की ही कंसिडर करेंगे। तो तभी तो मैंने जो लेंथ ली वो यहां पर क्या ली, एल ली, एल ली, नहीं थिकनेस नहीं लेते ना। देखो इमेजिन करो एक मिनट के लिए फिर से, आप सब क्लासरूम में बैठे हो, ये पहले मॉलिक्यूल्स हैं जो एयर के कॉन्टैक्ट में, फिर अंदर ये सोप की फिल्म है मान लो पूरी रूम, तो ये सब पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो अंदर बैठे हैं और ये इक्विलिब्रियम में होंगे बिकॉज इनकी नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर एयर के कॉन्टैक्ट में है और ये वॉल वॉल नहीं है, इसको ये वाले स्टूडेंट अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं, बिकॉज सरफेस टेंशन की वजह से ये रॉड के साथ चिपके हुए हैं और ये आखिरी मॉलिक्यूल को खींचेगा, आखिरी मॉलिक्यूल को रॉड ने पकड़ा हुआ है तो स्टिक किया हुआ है तो खींचेगा। उसी तरीके से वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी रॉड को खींचेंगे, तो यहां की कैलकुलेशन अलग और वहां की कैलकुलेशन अलग, बीच वाले इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो, ये वाली फर्स्ट सरफेस है। में इस केस में जो सरफेस है उसकी कैलकुलेशन फोर्स की कैसे होती है, उसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है कि जैसे आपने ये लेंथ को लिया, इस लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही है, एल इंटू टी फोर्स लग रही है, और इतनी ही फोर्स इसके बैकवर्ड सरफेस पे लग रही है, सरफेस मीन उस लेंथ पे लग रही है स्लाइडर के ऊपर, पूरी लेंथ को हमने कंसिडर किया है, जो ऊपर ऊपर के मॉलिक्यूल है जो एयर के कॉन्टैक्ट में वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कि इसको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा, तो इतनी ट्वाइस फोर्स लगेगी इस केस में कि स्लाइडर अंदर की तरफ आ जाए। अब इस केस में ये फोर्स तो वर्कडन कितना करना पड़ेगा, स्लाइडर मान लो कितना अंदर आ गया बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स अंदर आ गया, तो आपके पास जो नेट वर्कडन आएगा वो फोर्स इनटू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। स्लाइडर क्योंकि एक्स डिस्टेंस अंदर की तरफ आ गया तो फोर्स की वैल्यू हमने कितनी लगाई थी, टोटल आगे और पीछे की टी इंटू टूएल या टू इंटू टी इंटू एल और इंटू आपने एक्स किया, तो ये नेट वर्कडन आ गया। इस वर्क डन को, क्योंकि सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कितना वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय कितना चेंज इन एरिया हुआ, तो वर्क डन कितना हुआ नेट, इतना वर्क डन हुआ जो भी कैलकुलेट किया, और एरिया कितना चेंज हुआ, ये एरिया कितना दिखाई दे रहा है, एल इंटू एक्स, इतना एरिया चेंज हुआ, इतना एरिया आगे चेंज हुआ तो इतना एरिया इसके पीछे भी चेंज हुआ, क्योंकि आगे के मॉलिक्यूल्स भी अंदर की तरफ आ गए और पीछे के मॉलिक्यूल्स भी अंदर की तरफ आ गए, तो टोटल एरिया चेंज एल इंटू एक्स आगे की तरफ, एल इंटू एक्स पीछे की तरफ, तो ट्वाइस हो जाएगा, टू इंटू एल इंटू एक्स, कैंसल कैंसल, और इन द एंड क्या जाएगा, टी। तो हमने जो फॉर्मूला किया था, टी टी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चेंज इन एरिया, और मैंने बताया था कि इनको डिवाइड करके आंसर टी ही आएगा, ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है कि आंसर डिवाइड करने के बाद टी ही आएगा, और ये सभी केसेस में टी आता है।
तो इसके बेस पे अभी एक एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं सरफेस टेंशन का. तो ये सब्जेक्टिव शीट नंबर 33, सब्जेक्टिव शीट नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार देखो प्लीज. जीरो टू फाइव. अच्छा, फ्री सरफेस का कॉन्सेप्ट ये भी बता देता हूं मैं आपको. फ्री सरफेस के अंदर जैसे अगर आपके पास एक लिक्विड का ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब अंदर लिक्विड है, और बाहर क्या है, एयर है. तो सरफेस टेंशन इसकी बाउंड्री पे लगेगी, आउटसाइड बाउंड्री पे, और इसके एरिया को कम करने की कोशिश करेगी. लेकिन अगर यही चीज क्या होती है, एक बबल होती, बबल. अब बबल के अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, और ये देख रहे हो फिल्म, इसके अंदर लाखों मॉलिक्यूल्स हैं. और अंदर जाओगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल दिखेंगे आपको. तो यहां भी सरफेस टेंशन है और बाहर भी सरफेस टेंशन है, मैं दो दो सरफेस टेंशन लेते हैं. तो हम बोलते हैं कि बबल के अंदर दो फ्री सरफेसेस हैं, यानी कि जो भी रिजल्ट आप यहां यूज करेंगे आज हम, उसमें अंदर की सरफेस टेंशन भी कंसिडर करनी है एंड बाहर की सरफेस टेंशन भी कंसिडर करनी है, ठीक. लेकिन इसमें सिर्फ एक फ्री सरफेस है बाहर की तरफ, तो सरफेस टेंशन सिर्फ बाहर की तरफ एक्ट करेगी, अंदर कोई सरफेस टेंशन नहीं होगी इसके. तो इसको बोलते हैं फ्री सरफेस का कॉन्टैक्ट. तो जैसे मान लो आपके पास एक, मैंने बताया एक सोप की फिल्म है एक स्लाइडर के बीच में, तो यहां भी एयर है यहां भी एयर है, तो दो फ्री सरफेस है, तभी तो रिजल्ट में टू आ रहा था, ठीक. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर दो फ्री सर्फेसेस हैं तो टू से मल्टीप्लाई करना है, अगर एक फ्री सर्फेस है तो एक से मल्टीप्लाई करना है, एक ही सर्फेस टेंशन लेंगे. मैं आज इसको यूज भी करके दिखाऊंगा. अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि एक यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड रिमूव्ड. अ थिन सोप फिल्म इज फॉर्म्ड बिटवीन द वायर एंड अ लाइट स्लाइडर सपोर्ट्स अ वेट ऑफ. ये एक यू शेप्ड स्लाइड जो है फ्रेम है, ये स्लाइडर है जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है. इस क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि ये स्लाइडर W वेट को सपोर्ट कर सकता है जिसकी वैल्यू इज 1.5 × 10⁻²⁺ न्यूटन, इतने वेट को सपोर्ट कर सकता है. एंड द लेंथ ऑफ द स्लाइडर आपको L इस क्वेश्चन में गिवन है 0.30 मीटर. अब फ्रिक्शनलेस स्लाइडर है, और होगा क्या, ये स्लाइडर वेट की वजह से नीचे 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 आके नीचे आता रहेगा और सोप की फिल्म बस्ट हो जाएगी. लेकिन वो ये कह रहा है कि सोप की फिल्म इसको सपोर्ट कर सकती है, और वो कैसे करेगी, वो ऐसे करेगी कि इस तरफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगेगी. सरफेस टेंशन की फोर्स क्या करेगी, इस स्लाइडर को ऊपर खींचने की कोशिश करेगी ताकि एरिया मिनिमाइज हो जाए. जब ऊपर खींचेगी तो कितनी फोर्स लगाएगी, सरफेस टेंशन टी, और कितनी लेंथ के ऊपर, एल. सरफेस टेंशन टी इंटू लेंथ ऊपर एल, या कुछ और इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, इंटू टू, क्योंकि ये आपके पास एक सोप की फिल्म है. मान लो ये सोप की फिल्म है, तो अगर आपको इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना है तो ऑब्वियसली आपको बहुत थिक देखनी पड़ेगी ये. तो यहां के मॉलिक्यूल इसको स्लाइडर को ऊपर खींच रहे हैं, और पीछे से भी मॉलिक्यूल इसको ऊपर खींच रहे हैं. तो यानी कि इस स्लाइडर के इस तरफ भी फोर्स है, इस तरफ भी फोर्स है. तो देयर आर टू फ्री सरफेस, एक आगे की तरफ एक बोर्ड के पीछे की तरफ. तो रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से. तो इसलिए 2 इंटू टी इंटू एल इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻²⁺ 2 इंटू सरफेस टेंशन की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है निकालनी है, और लेंथ कितनी है 0.30, 1.5 × 10⁻²⁺ 2. तो टेंशन की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 0.025 न्यूटन पर मीटर. ये आपके पास आंसर आएगा. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आपने एक वेट को इसमें सपोर्ट करना है. Force due to surface tension will be equal to weight W. ठीक. Next question.
है नेक्स्ट के अंदर क्या गिवन है कि एक लिक्विड का ड्रॉप है जिसका डायमीटर कितना है, कैपिटल डी है. तो एक लिक्विड का ड्रॉप जिसका डायमीटर कैपिटल डी है ब्रेक्स अप इनटू 27 टाइनी ड्रॉप्स. तो 27 ड्रॉप्स हैं वो, उसको हम ब्रेक कर देते हैं. तो एरिया बढ़ेगा कि एरिया कम होगा? बढ़ेगा. क्यों? बड़े ड्रॉप को आपने छोटे छोटे ड्रॉप्स में आपने ब्रेक कर लिया. और ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं? 27 ड्रॉप्स हैं टोटल. तो अगर सपोज करते हैं एक मिनट के लिए, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका स्मॉल आर है. तो सबसे पहला काम क्या होगा, इनका वॉल्यूम इक्वेट करेंगे. 27 इंटू 4 बाई 3 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर का क्यूब. हालांकि आपको इसका डायमीटर गिवन है, कोई फर्क नहीं क्योंकि हम एंड में डायमीटर को क्या पुट कर लेंगे, यहां पे डायमीटर बाई 2 को क्या पुट कर लेंगे, कैपिटल आर एंड में पुट कर लेंगे. पहले रेडियस के साथ काम कर लेते हैं उसके बाद आगे काम करेंगे. तो यहां पर सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, ये टर्म हो जाएगी कैंसल, कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 इंटू स्मॉल आर, आपके पास ये टर्म आ जाएगी. ठीक है यहां तक? तो स्मॉल आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 3. ठीक. और मैंने बताया था कि छोटे छोटे ड्रॉप्स का एरिया मिला के बड़े ड्रॉप के एरिया से हमेशा बड़ा आएगा. ठीक. तो ऑब्वियसली जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसकी एरिया की वैल्यू बढ़ेगी. अब ऐसे करने में वो कह रहा है कि रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी क्या होगा. अब रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी के अंदर सरफेस टेंशन टी क्या होता है, सरफेस टेंशन टी इज चेंज इन एनर्जी या एनर्जी चेंज इन एनर्जी. चेंज इसलिए बोल रहा है बिकॉज देयर इज सम चेंज इन एरिया. तो चेंज इन एरिया जब होगा तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगी. तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में चेंज इन एरिया कितना है, 27 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो चेंज इन एरिया क्या होगा, बड़े ड्रॉप्स का एरिया माइनस छोटे ड्रॉप का एरिया. तो इन मिला के एरिया बड़ा बनेगा, मैंने बताया था. और नॉर्मल जो एरिया था सिंगल ड्रॉप का वो छोटा था. तो यहां पर चेंज इन एनर्जी जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी, टी इंटू 27 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी. ठीक. अब एक काम करेंगे, स्मॉल आर को क्या पुट कर सकते हैं, टी 27 इंटू 4 पाई स्मॉल आर की जगह क्या पुट करेंगे इसमें, कैपिटल आर बाई 3 का स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. और फाइनली आर को क्या पुट करेंगे यहां से, डी बाय 2. तो जब यहां पर ये वैल्यूज को पुट करेंगे स्मॉल आर को डी बाई 2, तो फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है, फाइनल आंसर सॉल्व करने पे टी टाइम्स 2 पाई कैपिटल डी का स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा. ये रहा. तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि पहले आपने इसमें चेंज इन एरिया निकाला, आप रेडियस में ही काम करते जाएं कोई दिक्कत नहीं, और स्मॉल आर को कैपिटल आर में कन्वर्ट करने, एंड में कैपिटल आर को डी बाई 2 पुट करेंगे, आंसर आएगा. ठीक. ये क्वेश्चन देखें, फिक्स्ड. ठीक. पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है चेंज इन एनर्जी. एक और क्वेश्चन करें ऐसा, ये 10 की पावर 6 है, प्लीज 106 नहीं है, दिस इज 10 रेज टू पावर 6. चलो आप ऐसे करेक्शन कर लेना, 10 की पावर 6 है ये. तो करना जरा क्वेश्चन सॉल्व.
इसके अंदर क्वेश्चन इज कि कैलकुलेट एनर्जी स्पेंड इन स्प्रेइंग. देखो अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा. तो आप एक बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप्स में स्प्लिट करना चाहते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा. और कितने ड्रॉप्स में ब्रेक करना चाहते हो 10 की पावर 6 ड्रॉप्स में ऑफ सेम साइज, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा. तो वर्क डन क्या होता है, अभी डिस्कस किया, टी इज इक्वल टू वर्क डन बाय चेंज इन एरिया. तो इसके लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, चेंज इन एरिया. तो सरफेस टेंशन टी पता है आपको, इसमें आर की वैल्यू पता है, 1 सेंटीमीटर बड़ा रेडियस पता है, 10 की पावर 6 का मतलब है कि वॉल्यूम इनका सेम करना पड़ेगा. बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 की पावर 6 इंटू छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम. तो यहां से पहले तो छोटे ड्रॉप का रेडियस आएगा यहां से, ठीक है यहां तक. तो यहां से आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू आएगी 10 की पावर 2 इंटू स्मॉल आर, या स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी. तो कैपिटल आर की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में गिवन है, स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर माइनस 2. फिर हम क्या निकालेंगे, चेंज इन एरिया. तो इनिशियल एरिया क्या है, बड़े ड्रॉप का एरिया 4π बड़ा आर स्क्वायर, और फाइनल सर्फेस एरिया क्या होगा, 4π इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 10 की पावर 6 टोटल एरिया ऑफ ऑल ड्रॉप्स. तो ये फाइनल एरिया, माइनस करेंगे तो चेंज इन एरिया. ठीक, तो यहां से आप माइनस कर लेना, चेंज इन एरिया आ गया. तो चेंज इन इंक्रीज हो गया ऑब्वियसली एरिया, बिकॉज छोटे छोटे ड्रॉप्स का एरिया बड़ा होगा, तो इंक्रीज इन एरिया आ गया. और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज टी इनटू इंक्रीज इन एरिया, बिकॉज टी क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया. तो टी इनटू इंक्रीज इन एरिया, टी की वैल्यू हमें पता है, इंक्रीज इन एरिया हमने निकाल लिया, तो इतने जूल्स का वर्क डन हमें करना पड़ेगा. इसके बाद जो करना है क्वेश्चन नंबर 12 करना है. ठीक, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो.
देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एक बात को समझो कि n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं और n नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन s ऑफ सेम रेडियस स्मॉल r कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल r। तो इस केस में क्या होगा कि छोटे छोटे ड्रॉप्स बड़े ड्रॉप में आपने कन्वर्ट कर दिया, आपको ये बता रहे हैं कि चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल होगा। ठीक, सबसे पहले होगा क्या, जब छोटे छोटे ड्रॉप्स बनेंगे या मिलेगा, एक बड़ा ड्रॉप बनेगा तो उससे क्या होगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि छोटे ड्रॉप जब बड़ा ड्रॉप बनाएगा एनर्जी रिलीज होगी। पहले आप वो एनर्जी रिलीज निकाल लो, टी इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, और इनका वॉल्यूम क्या रहेगा सेम, क्योंकि छोटे ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बनाएगा तो वॉल्यूम तो सेम ही हो जाएगा। अब दूसरी चीज इसमें क्या होगा कि जो वो हीट एनर्जी आएगी वो बड़े ड्रॉप का टेम्परेचर क्या कर देगी, चेंज। तो फॉर बिग ड्रॉप, जो बड़ा ड्रॉप है उसके लिए आप क्या करेंगे, बड़े ड्रॉप के लिए यू विल अप्लाई एम इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, तो एम सी डेल्टा थीटा। तो कोई भी चीज हम ये थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे, ये अगला चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्ट है कि अगर एम मास है सब्सटेंस का, जो बड़ा ड्रॉप बना जिसका रेडियस कैपिटल आर है, उसका मास अगर एम है, स्पेसिफिक हीट अगर सी है और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा, जो जो भी आपने हीट एनर्जी निकाली या जो भी आपने एनर्जी रिलीज निकाली थी उसमें, एनर्जी रिलीज्ड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अब इसके अंदर एक चीज याद रखनी है कि जो ड्रॉप है वो किसका बना हुआ है, वाटर का। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है सी, वो थर्मोडायनेमिक्स में जैसे वाटर की डेंसिटी स्टैंडर्ड याद करते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्पेसिफिक हीट भी याद करनी पड़ेगी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड होती है। कैलोरी के अंदर स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो 1 होती है। ठीक हो गया यहां तक, तो सी की वैल्यू याद कर ली आपने। अब प्रॉब्लम ये होगा कि जो आप ये एनर्जी निकालेंगे वो निकलेगी किसमें, जूल्स में, और क्योंकि स्पेसिफिक हीट किसमें चल रही है, कैलोरी में, तो ये किसमें चलेगी, कैलोरी में, और जूल कैलोरी के साथ इक्वेट नहीं हो सकते। तो आपको ये भी बताना चाहिए कि कैसे जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है और कैसे कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है। जैसे आपके पास 15 कैलोरी की हीट है और आप इसे जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4.2, तो किसमें आ गया, जूल में, तो याद रखना है 4.2। या फिर आप इसे अगर मान लो 15 जूल की हीट है और कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 4.2, तो किसमें आ जाएगा, कैलोरी। तो जूल साइंटिस्ट ने ये पहली बार काम किया था, कन्वर्जन का फैक्टर बताया था, तो जूल ने कहा कि अगर आपको मेरी वैल्यू याद नहीं तो बस मेरे नाम का सिंबल लगा दो, जे, 15 इंटू जे, तो इसको जूल इक्विवेलेंट बोलते हैं कि वैल्यू जो भी होती होगी वो तो होती होगी, तो इसको जे से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जूल में आ जाएगा और इसको जे से डिवाइड करोगे तो आंसर कैलोरी में आ जाएगा। इसलिए आपके न्यूमेरिकल के अंदर क्या आया हुआ है, जे, जूल इक्विवेलेंट। तो आपकी एनर्जी किस में निकलेगी, जूल में, लेकिन आप काम किस में कर रहे हो, हीट में, और हीट यानी कि कैलोरीज में, तो आपको इसको जे से डिवाइड करके क्या करना पड़ेगा, कैलोरीज में जाना पड़ेगा। आप कर सकते हो ट्राई, तो जो आपने एनर्जी निकाली उसको इससे इक्वेट करो। और हाँ, ये मास पूछ रहा था, बड़े ड्रॉप का मास तो गिवन नहीं, पुट कर लो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, रेडियस तो पता लग ही गया, और डेंसिटी वाटर की सीजीएस में क्या होती है, 1, करो सॉल्व।
ठीक। तो इसके अंदर अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एनर्जी रिलीज निकालने कितनी होगी। सबसे पहले वॉल्यूम इक्वेट करते हैं, तो वॉल्यूम इक्वेट में बड़े ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो एन टाइम्स छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो पहला स्टेप क्लियर है। तो इससे दोनों के रेडियस में रिलेशन आ गया, तो बड़ा आर क्यूब इज एन इंटू स्मॉल आर क्यूब। अब डिक्रीज इन सरफेस एरिया, क्योंकि छोटे ड्रॉप्स मिलके बड़ा बना रहे, तो देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एरिया, कितना नया सरफेस एरिया एन इंटू फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस फोर पाई बड़ा आर स्क्वायर। बड़े में से छोटा एरिया माइनस कर दिया, और छोटे ड्रॉप्स का एरिया हमेशा बड़ा होता है, ठीक, कॉमन आ गया। अब मुझे पता है कि एनर्जी रिलीज कितनी होगी, टी सरफेस टेंशन इंटू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला किया आपने, टी इज इक्वल टू वर्क डन या एनर्जी बाय डिक्रीज इन सरफेस एरिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू टी इंटू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। डिक्रीज इन सरफेस एरिया कितना है, ये सरफेस टेंशन का सिंबल, ये क्या कह रहा है, क्या यूज करना है, एस। तो ये आपके पास एनर्जी रिलीज की वैल्यू आ गई। यहां तक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, दिस मस्ट बी इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। देखो नेक्स्ट क्या करना है, एम सी डेल्टा थीटा में मास किसका, बड़े ड्रॉप का मास क्या होगा, बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वन इनटू स्पेसिफिक हीट क्या होती है वन, और डेल्टा थीटा की जगह डेल्टा थीटा लिख लो या थीटा लिख लो, चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन ये किस में आएगा, कैलोरीज में। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक हीट हमने किस में यूज की है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो हीट तो कैलोरी में आएगी, पर हमने क्या करना है, इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो इसको जे से मल्टीप्लाई कर दो 4.2, तो कैलोरी किस में कन्वर्ट हो गया, जूल्स में। हमारी हीट भी किस में थी, जूल्स में, हमारी जो एनर्जी रिलीज थी सॉरी वो किस में थी, जूल्स में। ये हीट भी किस में है, जूल्स में। ये सारी की सारी एनर्जी जो रिलीज हुई वो हीट की फॉर्म में चली गई। अब सॉल्व करो, थीटा की वैल्यू आएगा जो प्रूफ करना है। याद क्लियर है। अब इसमें इक्वेट किया, इक्वेट करके आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब इक्वेट करके ये वैल्यू आ गई, तो इसके अंदर आर क्यूब इसके नीचे, आर क्यूब इसके नीचे ब्रेक कर लिया, ठीक। अब इसमें एन की वैल्यू को आप पुट कर सकते हो, या कैपिटल आर क्यूब को पुट कर सकते हो, एन इंटू स्मॉल आर क्यूब जो प्रूव किया था, तो यहां से आर स्क्वायर एक आर कैंसल, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये आपके पास चेंज इन क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, ठीक।
मैं अभी जूल्स इक्विवेलेंट बता रहा था, हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे, आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। वैसे थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है वो, क्या कि जो हीट, स्पेसिफिक हीट होती है ना सी, इसके वाटर के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, ठीक। अब अगर कोई इसको जूल में लेना चाहे तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकता है वो 4.2 से मल्टीप्लाई करके, ये जूल पर ग्राम में आ गया। लेकिन कोई कहेगा सर ये जूल है ये ग्राम है ये सही नहीं है, ऊपर एस आई नीचे सीजीएस, तो एक काम करें 4.2 जूल 10^-3 केजी कर ले पर डिग्री सेल्सियस, तो सी की वैल्यू 4200 आ जाएगी जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। कोई कहेगा मुझे जूल में काम नहीं करना, मेरे को तो अर्ग्स में काम करना है, सीजीएस में जाना है, और ये सीजीएस सिस्टम नहीं होता प्लीज, कैलरी या जूल होता है या अर्ग्स होता है, तो हीट के यूनिट्स हैं। तो आप एक काम करो 4200 को 10^7 अर्ग्स बाई केजी पर डिग्री सेल्सियस, तो वो अर्ग्स में चला गया। लेकिन जैसे ही वो अर्ग्स में गया वो कहेगा देखो ये तो सीजीएस हो गया ये एसआई हो गया, तो फिर इसको भी ग्राम करो, तो 4200 × 10^7 डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम ये वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 4.2 × 10^7 अर्ग्स में वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब कोई कहता है कि मेरी वैल्यू तो यहां तक आ चुकी है अर्ग्स में, मेरे को वापस से कैलरी में जाना है, फिर कन्वर्जन शुरू कर देगा वो क्या करेगा, अर्ग्स को पहले कैलरी में लेके जाएगा, कैसे, बाय डिवाइडिंग बाय 4.2 × 10^7, तो सीधा आंसर किस में आ जाएगा, कैलरीज में, ठीक है। यहां तक ये सारे झंझट को हटाने के लिए जूल ने क्या कहा, कन्वर्जन न्यूमेरिकल में करते रहना, बस सिंपल आप ना यहाँ जे लगा देना, आपको किस में जाना है, आपको कैलरी में जाना है, तो कहते ठीक है इसको आप जे से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर कैलरी में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारी कन्वर्जन्स की वैल्यूज अगर डिस्कस नहीं करना चाहते कि 10^3 या 4.2, तो आप जे से सीधा मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, सीधा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपका एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ, इसने सही बोला एक पॉइंट, क्या सही बोला, इसने कहा कि जो रेडियस है वो ना सेंटीमीटर्स में है, रेडियस मीटर में नहीं है, रेडियस सेंटीमीटर्स में, ठीक। तो जब मैंने एनर्जी निकाल ली, जब मैंने एनर्जी निकाल ली तो मैंने इसके यूनिट्स क्या बोल दिए, जूल्स, जबकि मैं आर किस में यूज कर रहा हूं, हाँ, तो मुझे क्या बोलने चाहिए थे, अर्ग्स, अर्ग्स। अगर मैं यहां अर्ग्स बोलता हूं तो ठीक बोल रहा है कि आपको जूल नहीं यहां पर अर्ग्स बोलना चाहिए, और ये हीट किस में होती है, कैलरी, इसको अगर आपने जूल अर्ग्स में कन्वर्ट करना है, ऐसे बोल देता हूं मैं, अगर आपको ये जो कैलोरीज है इसको अर्ग्स में कन्वर्ट करना है तो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4.2 × 10^7, उसकी जगह सीधा जे बोल दो, तो यहां पर जूल्स की जगह ना प्लीज अर्ग्स कर लेना, तो यार सेंटीमीटर, बाकी कोई चेंज नहीं है इसमें, बस बोलने का ही चेंज है, तो यहां पर जूल नहीं बोलना चाहिए मुझे, मैं यहां पर क्या बोल देता हूं, अर्ग्स। अब ठीक है, सही बोला पॉइंट, इसने सही बोला, यहां पर जूल होना चाहिए यहां पर अर्ग्स, क्योंकि ठीक, या फिर रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, फिर अपने आप हीट किस में आएगी, जूल्स में, समझ में आ गया यहां तक, तो क्या इसमें मैंने क्या कैसे चेंज किया, ओके। सो ये जो पॉइंट था, ये किसका पॉइंट डिस्कस हुआ अभी, सरफेस एनर्जी का, तो मेरे ख्याल से सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में हो रहा है, आ रहा है कि इसमें कैसे वर्क डन या एनर्जी निकालनी है वो कैसे निकलेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो एक्सेस प्रेशर का है, ठीक। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं,